आज जहां पूरे भारत में ईद उल जुहा का त्यौहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वहीं आज जिला गुरदासपुर की जामा मस्जिद में मुस्लिम भाईचारे की तरफ से प्रधान सुरमोद्दीन डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में नमाज अदा की गई, जिसमें दीनानगर के समूह मुस्लिम भाईचारे की तरफ से नमाज अदा की गई, एक दूसरे के गले मिल व मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। इस संबंधित प्रधान सुदोमुद्दीन और मौलवी ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ईद एक आपसी भाईचारे, एकता, एक दूसरे को मिलकर व शांति का प्रतीक है। उन्होंने देश की खुशहाली तरक्की की कामना की। उन्होंने बताया कि जो दुश्मन आए दिन भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, परमात्मा उनको बर्बाद करे, मुस्लिम वह है जो समाज और देश का सच्चा सिपाही है। ईद मुबारक का मौका सी, असी इत्थे दीनानगर इकट्ठे हो गए, सारे ने ईद नमाज अदा की। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिहड़ा हर एक नूं गले मिल के ईद मुबारक कहण दा मौका दिंदा है। ये असी सारे गिलवे शिकवे भुला के एक दूजे नाल एक दूजे के गले मिलने हैं। तो खास करके मैं अपने पूरे देशवासियों, हिंदुस्तान वासियों ईद की मुबारकबाद भी दिना, तो रब अगे दुआ करने कि साडे हिंदुस्तान दे विच खुशहाली ते तरक्की होए, अमन शांति ते भाईचारा बरकरार रहे। गुरदासपुर से जाट टीवी न्यूज़ के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट।